हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल अपन ने ये वाली इक्वेशन निकाली थी कि अपने पास लास्ट इक्वेशन क्या आई थी, देखो, जी लैम्डा वेक्टर इक्वल जी माइनस ओमेगा वेक्टर क्रोश और ओमेगा आर आई कैप डैश, ये वाली वैल्यू आई थी, है ना। अब अपन इस ओमेगा की जगह क्या कर देंगे, ओमेगा वेक्टर की जो वैल्यू अपन ने निकाली थी, घटक निकाले थे, वो वाली वैल्यू क्या कर दें, पुट कर देते हैं। तो देखो, आ जाओ फिर पुट करते हैं, अपने पास क्या आता है, जी लैम्डा वेक्टर इक्वल जी माइनस इस ओमेगा की वैल्यू अपने पास क्या थी कल, जे कैप डैश ओमेगा कोस लैम्डा प्लस की कैप डैश ओमेगा साइन लैम्डा, ये जी, और साथ में क्या चल रहा है अपना, मल्टीप्लाई ओमेगा आर आई कैप डैश, ठीक है। आ जाओ अब अपन क्या कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो अपने पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहाँ पे जी लैम्डा इक्वल जी वेक्टर माइनस क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर जे कैप डैश मल्टीप्लाई आई कैप डैश, या फिर एक बार इसको देखो, इन दोनों ये जो यूनिट वेक्टर हैं इनको अपन बाद में लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा ओमेगा मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा, ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा, यहाँ पे क्या है जी कैप डैश और यहाँ पे क्या है आई कैप डैश, क्लियर है। प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ओमेगा साइन ओमेगा आर साइन लैम्डा आ जाएगा, ठीक है जी। देखो यहाँ पे भी ओमेगा है भाई, भूल गई थी मैं, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर साइन लैम्डा और यहाँ पे साथ क्या चल रही है, यूनिट वेक्टर के कैप डैश मल्टीप्लाई आई कैप डैश, क्लियर है यहाँ तक। आ जाओ जी अब इसके इक्वल में आप लोग जानते हो क्या होता है, देखो जे किसके बाद, जे के कैप के बाद क्या आता है आई कैप आता है, आई कैप के बाद फिर क्या, जे कैप के बाद क्या आता है के कैप डैश आता है, सॉरी के कैप के बाद आई कैप आता है, तो ये विपरीत डायरेक्शन में हो गए। तो फिर इसको अपन क्या लिख देंगे, जी लैम्डा इक्वल जी वेक्टर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा जे कैप डैश मल्टीप्लाई आई कैप डैश, क्या हो जाएगा के कैप डैश किसका, माइनस का, तो यहाँ पे क्या कर दो, माइनस का के कैप डैश, क्लियर है जी यहाँ तक, ठीक है जी। प्लस ओमेगा स्क्वायर आर साइन लैम्डा के कैप डैश आई कैप डैश, ये दोनों सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, तो के कैप आई कैप के बाद क्या आता है जे कैप आता है, तो वो किसका होगा, पॉजिटिव का होगा, ठीक है। हाँ जी अब अपन क्या करेंगे, देखो इनको एक चीज आप लोग जानते हो, पीछे अपन ने इक्वेशन मैन निकाली थी कि आर वेक्टर इक्वल क्या होता है आर कोस थीटा होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, इसकी जगह इस जहाँ पे भी इस इक्वेशन के अंदर आर है वहाँ पे अपन ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। चलो आ जाओ फिर क्या आता है देखते हैं, जी लैम्डा इक्वल जी वेक्टर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर, वहाँ पे लैम्डा था भाई ना कि थीटा था, सॉरी वहाँ पे क्या था लैम्डा था, याद करना लैम्डा था, तो ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर लैम्डा, ठीक है। ये साथ में क्या चल रहा है, माइनस का के कैप डैश प्लस ओमेगा स्क्वायर आर
कोश लैम्डा, साइन लैम्डा और ये क्या हो जाएगा जी, कब डैश। क्लियर है यहाँ तक? चलो जी, अब अपन क्या करते हैं, जी लैम्डा इक्वल जी, ठीक है। अब इस क्या कर देंगे, इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अपने पास क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर, हाँ इस माइनस से ये माइनस प्लस हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा। अब यहाँ पे प्लस है और ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। फिर अपन क्या कर देंगे, ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा और साइन लैम्डा जी कैप डैश। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी। अब इसके बाद क्या करते हैं, आप लोगों को पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कहाँ लगता है, नीचे की ओर लगता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ था, नीचे की ओर था, और अपना जो जेड डैश था या फिर के कैप डैश था वो कहाँ था, ऊपर की ओर था, ठीक है। देखो यहाँ पे जेड जो था वो कहाँ था, ऊपर की ओर था। तो क्या अपन इस जी की डायरेक्शन नीचे की ओर जा रही है और इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर जा रही है, तो इस जे कैप, इस जी को क्या अपन ऐसे लिख दें, माइनस के कैप डैश जी। ये मैंने क्यों बताया, देखो जे कैप जेड डैश कैप ऊपर की ओर जा रहा था ना, वहाँ पे क्या था, के कैप डैश था, और ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा था, नीचे की ओर लग रहा था। तो क्या अपन इस जी को माइनस के कैप डैश जी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलो अब जहाँ पे जी है, वेक्टर है, वहाँ पे अपन क्या वैल्यू पुट करेंगे, माइनस के कैप डैश वैल्यू पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, जी लैम्डा इक्वल, ये जो जी वेक्टर है इसके इक्वल में अपन ने देखो यहाँ पे वैल्यू क्या लिखी, माइनस के कैप डैश जी लिखी, ठीक है। वो वाली वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा, के कैप डैश जी प्लस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा साइन लैम्डा और जी का डैश। क्लियर है जी? यहाँ तक अपन ने किसकी वैल्यू निकाली, जी लैम्डा की। तो देखो जी लैम्डा इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस के कैप डैश कॉमन ले लो, हाँ जी। फिर अपने पास क्या बचेगा, जी माइनस क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ ये भी क्या होगा, माइनस का। तो जे कैप डैश पहले ले लो, फिर अपने पास क्या बच जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर साइन लैम्डा या फिर कोस लैम्डा या फिर साइन लैम्डा। क्लियर है जी यहाँ तक? चलो जी, अब अपन क्या करेंगे, जो लास्ट में अपनी इक्वेशन आई है उसका अपन परिमाण ले लेंगे। क्या करेंगे, जो लास्ट में इक्वेशन आई है अपने पास उसका अपन परिमाण लेंगे। तो परिमाण लेने के बाद अपने पास क्या बनेगा, देखो ये यहाँ पे प्लस है भाई, है ना, ठीक है। अगर इस इक्वेशन का अपन परिमाण लेंगे तो अपने पास इक्वेशन क्या बनेगी, देखो जी लैम्डा रूट, इस वाली इक्वेशन का क्या कर रहे हैं अपन, परिमाण ले रहे हैं, तो अपना क्या आ जाएगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर,
सॉरी कैपिटल वाला आर है, ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा का होल स्क्वायर प्लस ये क्या चल रहा है जेकब, जेकब क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, तो पास में क्या आएगा अपने बचेगा क्या ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमडा और साइन लेमडा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाली टर्म आएगी, इसको इक्वेशन नंबर दे देना आप लोग 5। हाँ जी, अब आप लोग जानते हो या फिर इसको एक बार ओपन कर लो कि पृथ्वी का कोणीय वेग जो होता है ओमेगा उसकी वैल्यू कितनी होती है, जो पृथ्वी का कोणीय वेग होता है ना ओमेगा उसकी वैल्यू होती है 7.29 × 10⁻¹⁵ रेडियन पर सेकंड। ठीक है, जो अपने पास पृथ्वी का कोणीय वेग होता है ओमेगा वेक्टर उसकी वैल्यू कितनी होती है 7.29 × 10⁻¹⁵ रेडियन पर सेकंड होती है। ठीक है, यदि ओमेगा 4 हो तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, माइनस 20 हो जाएगी। अतः ओमेगा 4 कितने के अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 0 के अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, लिया या फिर लिया जा सकता है। अब जब अपन इसका स्क्वायर खोलेंगे तो उसके पास ओपन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा ओमेगा 4 आएगा, तो उस ओमेगा 4 की वैल्यू अपन किसके अप्रोक्सीमेट कर देंगे इस 0 वाले के कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है इतनी होती है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे अपन -5 होती है। ओके, कितनी होती है -5, अगर इसका 4 करेंगे अपन तो फिर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10⁻¹⁰ आएगी। ठीक है, अब इसलिए इसकी कोटि कितनी हो जाएगी 10⁻¹⁰ हो जाएगी, तो इसलिए अपन इस ओमेगा 4 को किसके अप्रोक्सीमेट ले लेंगे 0 के अप्रोक्सीमेट ले लेंगे। तो चलो जी, अब अपन इसका क्या करते हैं स्क्वायर ओपन करते हैं तो फिर अपने पास क्या आएगा, देखो इक्वेशन 5 से जी लेमडा वेक्टर इक्वल, हाँ जी जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन कर दो तो फिर क्या आ जाएगा ओमेगा की पावर 4 आर का स्क्वायर कोस स्क्वायर लेमडा और साइन स्क्वायर लैम्डा, यही आएगा। तो इस ओमेगा 4 को पृथ्वी के कोणीय वेग के अनुसार क्या कर देंगे, किसके अप्रोक्सीमेट कर देंगे 0 के कर देंगे, तो अपने पास लास्ट टर्म क्या आ जाएगी जी लैम्डा वेक्टर इक्वल जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल में हो जाएगा 0 के। ठीक है, चूँकि ओमेगा की पावर 4 किसके अप्रोक्सीमेट होती है 0 के, क्लियर है यहाँ तक। हाँ जी, अब अपने पास जी लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, मोड हटा दो, मोड हटाओगे तो क्या हो जाएगा वेक्टर भी हट जाएगा और ये क्या बचेगा अपने पास जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा। ठीक है, ये अपने पास किसकी वैल्यू आई जी लेमडा की वैल्यू आई, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 6। ठीक है, यही अपने को प्रूव करना था, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत बहुत वेरी 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 इम्पोर्टेंट। ओके, अब अपन इसके अंदर कंडीशन यूज करते हैं। हाँ जी, क्या करेंगे इसके अंदर कंडीशन यूज करेंगे, अगर पहले तो करेंगे ध्रुवों पर और फिर कहाँ करेंगे भूमध्य रेखा पर। अपने पास जो अपन ने पृथ्वी ली थी वो कितने भागों में डिवाइड थी, 2 भागों में डिवाइड थी, और ये अपन ने क्या लिया था ओमेगा कोणीय वेग लिया था ना। तो इस
ध्रुव इस क्या बोला था, इस वाली जगह को ध्रुवीय रेखा, ये वाली रेखा क्या बोलते हैं अपन, ध्रुवीय रेखा, और ये वाली कौन सी बोली थी, भूमध्य रेखा। हाँ जी, अब जो दोनों कंडीशन लगाएंगे वो वाली दोनों कंडीशन इसके ऊपर यूज करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे जी लेमडा की वैल्यू क्या होगी, उसके बाद देखेंगे कि इसके ऊपर जी लेमडा की वैल्यू क्या होगी। देखो, अगर ध्रुवों पर लेमडा इक्वल 90 डिग्री है, क्या है, अगर ध्रुवों पर कंडीशन फर्स्ट, ध्रुवों पर लैम्डा इक्वल 90 डिग्री है तो कितना हो जाएगा, कोस लैम्डा इक्वल कोस 90 डिग्री, तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। तो वहाँ पे ध्रुवों का मान, जी लैम्डा का मान कितना हो जाएगा, जी, ठीक है। सेकेंड कंडीशन लेंगे अपन कि भूमध्य रेखा पर लेमडा का मान जीरो डिग्री है, या फिर देखो अर्थात इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, अर्थात पृथ्वी का कोणीय वेग ओमेगा यदि बढ़ जाए, ठीक है, क्या किया जाए, यदि यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर जो एंगुलर मोमेंटम जो है अगर वो बढ़ जाए तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन का मान सेम नहीं रहेगा, चेंज होगा, ठीक है। इस कंडीशन के अनुसार क्या होगा, देखो अगर अर्थ पर एंगुलर मोमेंटम बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो ध्रुवों पर, किसके ऊपर, तो ध्रुवों पर ग्रेविटी एक्सेलरेशन का मान क्या होगा, चेंज होता रहेगा, अपरिवर्तित होगा, समान नहीं होगा, क्लियर है, ठीक है। सेकंड कंडीशन के अंदर अपन लेते हैं भूमध्य रेखा पर लैम्डा का मान अगर जीरो डिग्री है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस जीरो डिग्री इक्वल कितना होता है, कोस जीरो का मान कितना होता है, वन होता है, तो क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे, जी लैम्डा इक्वल जी माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर जीरो, तो ये क्या आ जाएगा, जी लैम्डा इक्वल जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, इसका मान कितना हो गया, वन हो गया, ओ जी, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 7 और इसको इक्वेशन नंबर दे दो 8। तो इक्वेशन 8 की कंडीशन क्या बोल रही है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी अर्थ का एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज होने से ग्रेविटी एक्सेलरेशन के मान में क्या होगी, डिक्रीज होगा, क्या होगा, ध्यान से सुनना, इस कंडीशन के अनुसार यदि अर्थ पर एंगुलर मोमेंटम का मान इंक्रीज होगा तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन का मान क्या होगा, डिक्रीज होगा, कहने का मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, क्लियर है यहाँ तक, हाँ जी। अब देखो ये क्या था अपना, इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, ये क्या था अपना, इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या होगा, देखो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एक्सेलरेशन, क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एक्सेलरेशन, अपन डायरेक्शन निकालेंगे किसकी, ग्रेविटी एक्सेलरेशन की। हाँ जी, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी
acceleration. ठीक है, ग्रोवित गुरुत्वीय त्वरण की दिशा। ठीक है, मान लो अपने पास ये अर्थ है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? ये सेंटर है। ठीक है, सेंटर की अंदर लगने वाला जी जो त्वरण जो होता है, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन जो होता है, यहाँ पे अपन किसकी, अपने पास कितने हैं? एक तो दो प्रकार के ग्रेविटी एक्सेलरेशन है अपने पास। एक तो है जी वेक्टर जो क्या है, वास्तविक है, और एक है जी लैम्डा जो क्या है, आभासी है। तो ये जो दोनों जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन है अपने को इस सर्किल के अंदर शो करने हैं कि कौन सी की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, मतलब अंदर की ओर है, और कौन सी की डायरेक्शन बाहर की ओर जा रही है। तो यहाँ जी वेक्टर जो है वो केंद्र की ओर है। मान लो ये जी वेक्टर जो है ये कहाँ है, केंद्र की ओर है। इसको क्या बोल दो, जी वेक्टर। ओके, जी लैम्डा जो है केंद्र की ओर नहीं होगा। यहाँ पे कोई ले लो जी लैम्डा, ये कहाँ चला जाएगा, केंद्र की ओर ना है, केंद्र की ओर नहीं है, तो पता है कि ये बाहर की ओर होगा। तो इसको आप क्या नाम दे दो, जी लैम्डा, ये लो। और इन दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, थीटा। हाँ जी, इसको थोड़ा सा सही सा बना देते हैं अपन, देखो। ये तो अपना है जी लैम्डा, और ये अपना है, अच्छा सेंटर की ओर है, जी है। इन दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा है। अब अपने को क्या करना है, ध्यान से सुनना। यहाँ जी वेक्टर केंद्र की ओर है, जबकि जी लैम्डा बाहर की ओर है। माना जी लैम्डा और जी वेक्टर के बीच कोण कितना है, थीटा है। ठीक है, वी नो दैट जी लैम्डा की वैल्यू आपने क्या निकाली थी पीछे, वी नो दैट हाँ जी, जी वेक्टर लैम्डा की वैल्यू आपने क्या निकाली थी पीछे भाई, माइनस की कैप डैश जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा माइनस जी कैप डैश ओमेगा स्क्वायर आर साइन लैम्डा और कोस लैम्डा, ये निकाली थी। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 9। पीछे एक तक अपन पहुंच गए थे, और इस वाले को इक्वेशन नंबर दे दो 9। मैं कहीं से भी कुछ भी नहीं लेके आई हूँ, टॉपिक अपना है डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एक्सेलरेशन। ग्रेविट एक्सेलरेशन अपन ने वो ही दो लिए हैं, कौन कौन से, एक जी लैम्डा वेक्टर लिया है, और एक कितना लिया है, जी वेक्टर लिया है। जी वेक्टर कहाँ है, सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स है, और जी लैम्डा कहाँ है, सेंटर से बाहर की ओर जाने वाला फोर्स है। इन दोनों के बीच अपन ने एंगल क्या ले लिया, थीटा ले लिया, और जी लैम्डा वेक्टर अपन ने पीछे निकाल चुके हैं अपन। क्लियर है यहाँ तक, कुछ भी नहीं किया अभी तक, 3-4 बातें ही पड़ी है। अब क्या करते हैं, टेन थीटा। आप लोगों को पता है कि टेन थीटा इक्वल क्या करते हैं, टेन थीटा क्यों काम में लेते हैं, जब अपने को किसी की डायरेक्शन चाहिए होती है उसके लिए अपन क्या करते हैं, टेन थीटा लेते हैं। ठीक है, तो टेन थीटा क्या कर देंगे, यहाँ पर देखो वाई डैश दिशा में घटक निकालेंगे, और एक जेड डैश दिशा में घटक निकालेंगे। अक्ष डैश का तो नाम ही नहीं है, अरे पिछले वाले जो क्वेश्चन किया था, डेरिवेशन किया था, उसका ही तो कुछ पार्ट है ये, उसी का तो पार्ट है। तो वहाँ पे अक्ष डैश की तो अपन ने बात ही नहीं की थी, को कितने बात की थी, दो एक्सिस की बात की थी। यहाँ पे होता क्या है, वैसे देखो वाई डैश अपॉन अक्ष डैश होता है,
ठीक है। जब भी अपन टेन थीटा के अकॉर्डिंग डायरेक्शन निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि वाई डैश दिशा में घटक अपॉन अक्ष डैश दिशा में घटक। पर यहाँ पे पीछे वाले डेरिवेशन के अकॉर्डिंग अपन ने अक्ष डैश नहीं लिया था, क्यों? क्योंकि ये अक्ष डैश और वाई डैश दोनों क्या कर रहे थे, तल को स्पर्श कर रहे थे और जेड जो था वो क्या था, लंबवत था। ठीक है, तो तल को लंबवत करने वाले दोनों में से अपने को केवल एक ही लेना था, इसीलिए अपन ने वहाँ पे किसको लिया, वाई डैश को लिया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अक्ष डैश नहीं है तो क्या लिख देंगे, जेड डैश लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जेड डैश लिखेंगे। तो चलो आ जाओ। हाँ जी, टेन थीटा इक्वल क्या होता है, डी वी अपॉन डी एक्स होता है, होता है। तो हमारे पास अक्ष घटक नहीं है, ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, देखो वाई डैश दिशा में घटक। चलो वाई डैश दिशा में घटक अपॉन जेड डैश दिशा में घटक, हाँ जी। अब वाई डैश दिशा में घटक कितना आएगा अपने पास, देखो पीछे निकाला था आप लोगों ने, वाई डैश दिशा में ये है ना जेड डैश जो है, तो क्या अपन इसको लिखते, ओमेगा स्क्वायर आर साइन लेमडा कोस लेमडा। अरे वाई डैश की बात कर रहे हैं, वाई डैश का यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप डैश होता है, तो जे कैप डैश की वैल्यू ऊपर है कि नहीं है, इस इक्वेशन को इसीलिए तो लिखा है अपन ने, तो जेड जे कैप डैश यानी कि वाई डैश दिशा में घटक क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर, किसका, माइनस का, ओमेगा स्क्वायर आर साइन लैम्डा और कोस लैम्डा अपॉन जेड डैश दिशा में क्या हो जाएगा, के कैप डैश, वो ही किस में, माइनस में, तो माइनस जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा, माइनस से माइनस चला गया तो क्या बच जाएगा अपने पास। और एक कंडीशन और पीछे आप लोगों ने देखा था, ओमेगा स्क्वायर ज़ीरो कहाँ पड़ी थी, मैंने बोला था कि ओमेगा की वैल्यू 10^-5 के रूप में होती है, वो पढ़ा था ना 7.29 ऐसे कुछ पढ़ा था, इसकी वैल्यू माइनस फाइव होती है। अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 होगा कि नहीं होगा, होगा, तो इसको क्या कर देंगे, ज़ीरो करेंगे, तो फिर ओमेगा स्क्वायर अगर इक्वल अगर ज़ीरो हो जाएगा तो अपन इसको क्या कर दें, टेन थीटा इक्वल ओमेगा स्क्वायर आर साइन लैम्डा और कोश लैम्डा। अब आप लोग बोलोगे यहाँ क्या बचेगा, ओनली जी बचेगा, क्या बचेगा, जी। अब आप लोग बोलोगे कि ये ओमेगा स्क्वायर इक्वल जीरो, अप्रोक्सीमेट जीरो यहीं पे क्यों यूज किया, देखो इस ओमेगा के साथ पहले कुछ जुड़ा हुआ है क्या, कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ ना, ठीक है, इसलिए। और यहाँ ओमेगा के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है जी, लगा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज ना करके यहाँ पे जुड़ा है, क्योंकि इसके स्टार्टिंग में कोई ऐसी राशि नहीं जुड़ी है कि वहाँ, इसलिए अपन वहाँ पे ओमेगा कर दें। अगर इसके पहले माइनस या प्लस में अगर कोई जी की तरह कोई राशि जुड़ी होती तब अपन वहाँ पे ओमेगा का यूज करते, इसलिए मैंने ऊपर ना करके कहाँ किया, नीचे किया। अब इस इक्वेशन को ऊपर नीचे दो से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दो। चलो जी, कर दिया मल्टीप्लाई, तो अपने पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल ओमेगा स्क्वायर आर, ये क्या हो जाएगा, साइन टू लैम्डा अपॉन टू जी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल ओमेगा स्क्वायर आर साइन टू लैम्डा अपॉन टू जी, ठीक है, हाँ जी। ये क्या निकाला अपन ने, टेन थीटा, कहने का मतलब ग्रेविटी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। अब देखो
यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे, क्या कर दे, यदि अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और भूमध्य रेखा पर गुरुत्व त्वरण के मान में ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल 0.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इसको छोड़ो, यहीं तक देखो, क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, सबको क्लियर है यहाँ तक? अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके जी, अब इससे नेक्स्ट बात करेंगे अपन एक नए टॉपिक के साथ का। थैंक यू।